बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा सिग्नेचर हो सके तो मैं कर लूं, लेकिन फिर भी एक वीडियो में सारे सिग्नेचर्स नहीं आते। तो अगर आप लोगों ने सिग्नेचर के लिए रिक्वेस्ट की है तो आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको आपका सिग्नेचर मिल जाएगा इस वीडियो में। और पूरी वीडियो पहले देख के अगर आपका सिग्नेचर नहीं है तो तब आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन पहले पूरी वीडियो देख के। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में इसमें चैनल पे हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें हम आप लोगों के लिए सिग्नेचर्स बना के अपलोड करते हैं। तो आपको यहाँ पर बेहतरीन टॉप क्लास सिग्नेचर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सिग्नेचर्स मिलेंगे यहाँ पे और प्रोफेशनल सिग्नेचर्स होंगे। इसके साथ साथ हम पेड सर्विस भी देते हैं, तो पेड सर्विस में हम जो है वो एक नेम के लिए 10 से 15 सिग्नेचर डिज़ाइन करके देते हैं, उसकी वीडियो ट्यूटोरियल बना के देते हैं, उसके पिक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो, उसमें भी आपको बेहतरीन प्रोफेशनल सिग्नेचर्स मिलेंगे, जो कस्टम सिग्नेचर्स होंगे, जो जिस तरह आप लोग चाहेंगे उसी तरह आपको सिग्नेचर्स मिलेंगे। और फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं रखी हुई। तो अगर आप लोग पेड सर्विस में इंटरेस्टेड हो तो बराए मेहरबानी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ जो फ्री वाले हैं तो मुझे कमेंट वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप न किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है फिर आप लोगों को रिप्लाई करना। तो अगर आप लोग सिर्फ पेड सर्विस चाहते हो या पेड सर्विस के बारे में मालूम करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन सिग्नेचर वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और वो जो पेड सर्विस हम देते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेटली आनर को हम प्रोवाइड करते हैं, जिनका सिग्नेचर होता है सिर्फ उनको ही प्रोवाइड करते हैं वीडियो और पिक्चर्स वगैरह। वो कहीं भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या इस तरह कहीं भी हम अपलोड वो नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को हम प्रोवाइड करते हैं जिनका सिग्नेचर होता है, और जो पेमेंट करते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं। तो उससे आप बेफिक्र रहे, आपकी प्राइवेसी का भी अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है वहाँ पर। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो भाई, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो भाई। इतनी मेहनत करके आप लोगों के सिग्नेचर्स बनाते हैं तो कम से कम आप लोग तो लाइक तो किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ। मेहताब खान नेम का सिग्नेचर है, मैं अलग हर एक अल्फाबेट के लिए अलग अलग वीडियोज़ भी बना, उसमें अलग अलग वीडियो में जो है वो मसला ये हो जाता है कि आप लोगों के सिग्नेचर काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि एक एक नेम अल्फ़ाबेट के लिए जितने नेम होते हैं उनके सिग्नेचर तो एक वीडियो में हो जाते हैं, लेकिन और लोगों के सिग्नेचर रह जाते हैं। तो मैं उसी तरह भी बनाता रहूँगा, हर एक अल्फ़ाबेट के अलग अलग वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा, लेकिन साथ साथ ये मिक्स सिग्नेचर्स की वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल, बेहतरीन प्रोफेशनल, अट्रैक्टिव और हर किस्म के सिग्नेचर्स यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें सिंपल सिग्नेचर्स भी होंगे, इकॉनिक सिग्नेचर्स भी होंगे, एब्स्ट्रैक्ट सिग्नेचर्स भी होंगे और कस्टम सिग्नेचर जिस तरह आप लोग चाहेंगे वहाँ पे भी होंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम इसी तरह वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों के साथ इसी तरह शेयर करते रहेंगे। बस आप लोगों से यही एक दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब किए आप लें तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपका सिग्नेचर ज़रूर होगा। क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी लोग कमेंट करें मैं सबके सिग्नेचर्स कर दो, सबके रिप्लाई कर दो, लेकिन रिप्लाई करना सबका मुश्किल नहीं हो जाता तो मैं या लाइक कर देता हूँ आपके कमेंट और या हार्ट कर देता हूँ वहाँ पे। आप अगर हार्ट का निशान आ जाए या लाइक का निशान आ जाए तो आप समझ जाए कि आपका सिग्नेचर मैंने नोट कर, आपका नाम मैंने नोट कर दिया सिग्नेचर्स के लिए। तो आप लोग अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। और बाद लोग इस तरह होते हैं कि वो कमेंट करते तो वो समझते हैं कि भाई नेक्स्ट वीडियो में सिग्नेचर मेरा होगा या नहीं हुआ, तो उस तरह मुमकिन नहीं होता, क्योंकि आपके से पहले भी सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं, वो सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं,
ज़ाहरी बात है, जो लोग पहले कमेंट करेंगे तो उनकी बारी भी पहली आएगी, उनके पहले सिग्नेचर्स होंगे, और जो उसके बाद होंगे उसके बाद में सिग्नेचर्स होंगे, तो आप लोग उससे नाराज़ ना हुआ करें। और सिग्नेचर्स तो मैं सबके बनाता हूँ भाई, लेकिन बारी आने पे बनाता हूँ। मैं आज तक जितने भी लोग कमेंट करते हैं, मैं कोई हज़ारों सिग्नेचर्स मैंने बना दिए हैं, लेकिन जितने भी लोग कमेंट करते हैं मैं सबके सिग्नेचर्स बनाता हूँ। बाद लोग तो दो दो तीन तीन मरतबा भी कमेंट करते हैं, मुझे याद रहता है, क्योंकि मैं जब एक मरतबा सिग्नेचर बनाता हूँ जिस नेम के लिए, वो नेम मुझे याद रहता है कि मैंने इस नेम का सिग्नेचर बनाया है। और आपके जो प्रोफाइल नेम होता है वो भी मुझे याद रहता है कि मैंने इस नेम के लिए सिग्नेचर बनाया है, और इन्होंने पहले कमेंट किया था या नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट किया करें अपने बारी का, इंशाल्लाह सिग्नेचर सबके मिलेंगे और सबके बनाता रहूँगा। और मेरी यही कोशिश रहेंगी कि बेस्ट से बेस्ट सिग्नेचर आप लोगों के लिए बना दो, आपके नाम के लिए फ्री में बना दो। तो मैं और चैनल के लोगों की तरह नहीं करता हूँ कि भाई पूरे 200-300 कमेंट में से या 150 कमेंट्स में से 5 नेम ले लिए और उसके सिग्नेचर्स बना दिए। नहीं भाई, मैं सबके सिग्नेचर बनाता हूँ, इसलिए वीडियो भी लंबी हो जाती है, आप लोग थोड़े से थक भी जाते होंगे देखते हुए। लेकिन उसका मसला यही होता है कि अगर मैं वीडियो लंबी ना बनाऊँ तो फिर आप लोगों के सिग्नेचर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। अब दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बना दो, या अभी 10 मिनट की तकरीबन वीडियो है, तो अगर मैं दो मिनट की वीडियो बनाता तो ये 5 वीडियोस बन जाती, तो उसमें 5 दिन और लग जाते। इस वजह से मैं वीडियो लंबी बनाता हूँ थोड़ी सी, ताकि सिग्नेचर उसमें ज़्यादा आ जाए। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम आप लोगों की वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके लिए सिग्नेचर्स बनाते रहेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि सबके सिग्नेचर हो, और सबके सिग्नेचर अच्छे सिग्नेचर हो। ये भी नहीं कि जान छुड़ाने वाली बात भी मैं नहीं करूँगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा सिग्नेचर्स कर दूँ। ये संथिया नाम है। एक बात और है भाई, यहाँ पे पीछे आपको गाड़ियों की आवाज़ें आ रही होगी, तो उसके लिए मैं आप लोगों से फिर से एक माजरत चाहता हूँ, जिस तरह मैं पहले वीडियोस में कहता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये काम वाली जगह में वीडियो बनाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता और मेरे पास जगह भी इस तरह नहीं होती, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि गाड़ियों की आवाज़ें आ रही है। तो आप लोग अगर डिस्टर्ब हो इससे, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ भाई। रुखसाना खातून, आसिफ मरमकार, देखो कितना खूबसूरत बेहतरीन सिग्नेचर है भाई, लंबा है थोड़ा सा। आप लोग इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, अगर आपका सिग्नेचर ज़्यादा लंबा है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। उन्हें फर्स्ट टाइम का सिर्फ बना सकते हो, लास्ट नेम का बना सकते हो, जो सिग्नेचर मैं बना दूँ उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें चेंजिंग भी कर सकते हो। अगर आपका सिग्नेचर नहीं है तो आप फिर भी वीडियो देखा करें, क्योंकि आप इससे आइडिया ले सकते हो और अपना सिग्नेचर खुद भी बना सकते हो। हसनी का कितना बेहतरीन प्रोफेशनल सिग्नेचर है, ज़बरदस्त सिग्नेचर है, अट्रैक्टिव भी है, प्रोफेशनल भी है, और गुड लुकिंग भी है। फैज़ान नेम का था, और बाद लोगों के नेम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी वर्ड उसमें ज़्यादा होते हैं और लंबे नेम होते हैं, तो उनके लिए उस जितना लंबा अगर सिग्नेचर बना दे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। असल में सिग्नेचर जो है वो जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला होते हैं, जो ऑफिशियल यूज़ के लिए होते हैं, तो उसमें तो आप बिल्कुल भी इनिशियल यानी एक दो वर्ड के सिग्नेचर्स बना के करते हो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में बंदा करता है तो उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर अपने और यूज़ के लिए, या NIC के लिए, या इस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ करना हो, तो उसमें आप प्रॉपर अपना सिग्नेचर बना के अपलोड करते हैं, या सिग्नेचर बना के वहाँ पे सिग्नेचर करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अगर टाइम भी लगे तो उसका कोई मसला नहीं होता। तो उसमें कोशिश ही मैं करता हूँ कि आपके सिग्नेचर ऐसे हो कि वो न ज़्यादा शॉर्ट हो और न ज़्यादा लंबा हो, दरमियाना सिग्नेचर हो, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और उस खूबसूरत लगता है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट सिग्नेचर हो तो वो एक तो वो कॉपी करने में आसानी होती है, कि कोई भी बंदा उसको कॉपी कर सकता है, और ज़्यादा लंबा हो तो उसमें मुश्किल हो जाते हैं आप लोगों के लिए, एक तो सीखने में मुश्किल होता है वो प्रैक्टिस करने में, और दूसरी बात ये होती है कि उसमें सिग्नेचर की लुक भी अच्छी नहीं लगती जब ज़्यादा लंबा सिग्नेचर हो। तो दरमियानी साइज़ का सिग्नेचर जो होता है वो गुड लुकिंग भी होता है, वो प्रोफेशनल सिग्नेचर भी लगता है, और वो आसानी से आप सीख भी सकते हो और आसानी से कर भी सकते हो, लेकिन
वो कोई और बंदा उसको आसानी से कॉपी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना छोटा नहीं होता सिग्नेचर, तो दरमियानी साइज़ का सिग्नेचर काफ़ी अच्छा रहता है। एक बार फिर आप लोगों को बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें भाई। एक बात और है, अगर अच्छी ना लगे फिर भी लाइक करें यार, आप लोगों का क्या जाता है, मेरा कुछ बन जाएगा इससे। मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।